मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आपका पहला चैप्टर जो पांडाज में 12th क्लास वालों के लिए है, तो उसमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमें अगर प्रोग्राम बनाना है तो हम कौन कौन से प्रोग्राम बना सकते हैं और किस किस टाइप से बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो हमारे पांडाज में प्रोग्राम बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं, एक तो सीरीज़ में और एक डेटा फ्रेम में। तो अभी मैं यहाँ पर आपको जो सीरीज़ के टाइप्स हैं, तो सीरीज़ में हम चार तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वो प्रोग्राम कौन कौन से बना सकते हैं और कैसे क्या उनके आउटपुट आएंगे, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, उसके बाद आपका एक वेरिएबल ले लीजिए। वेरिएबल मैंने ले लिया और इसमें आपकी कोई भी डिजिट 34, 556, 556, 32, 78, आपका 23, ये डिजिट ले ली हैं। अब इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लिया y9, और इसमें मैंने pd.series ऑप्शन यूज़ किया। सीरीज़ में s बड़ा होना चाहिए, और li लगा के फिर इसको प्रिंट कमांड दी है। तो प्रिंट कमांड में मैंने y9 दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल आपका जो लास्ट है उसी से मैचअप करता है। देन आफ्टर जब मैं इसको कीबोर्ड से F5 करूँगा या फिर रन में आपको ऑप्शन मिलेगा रन मॉड्यूल, यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये बोलेगा, इसको आपको सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमल के नाम से मैंने ये सेव कर दिया, और इसका फिर ये आउटपुट देंगे। तो इस टाइप से ये आपका आउटपुट लिस्ट के यूज़ से आ रहा है। देखिए कैसे आउटपुट है और कहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपका जो चार पांच नंबर्स थे उन नंबर्स को यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, और ये जो है ये आपके इंडेक्स हैं और ये वैल्यूज़ हैं। तो इंडेक्स ये जो अभी हैं, इन इंडेक्स को हम कहते हैं इम्प्लिक्ट इंडेक्स। इम्प्लिक्ट इंडेक्स आर द इंडेक्स दैट इज़ नॉट गिवन बाई द यूज़र, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ऑफ द पाइथन। तो ये पाइथन की डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है, और अगर आपको यूज़र के हिसाब से देनी है तो उसे हम एक्सप्लिक्ट इंडेक्स कहते हैं। तो एक्सप्लिक्ट इंडेक्स अगर आपको देनी है तो उसके लिए आप एक और वेरिएबल ले लिए, जैसे मैंने UI वेरिएबल ले लिया, और इसमें मैंने जो आपकी इंडेक्स ले ली है अभी वो 9 से ले रहा हूँ। मैं इंडेक्स 9, 10, 11, 12, 13, पांच हैं तो पांच ही डिजिट उसी के हिसाब से पांच यहाँ पे इंडेक्स। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे इंडेक्स को शो कराना है। तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया जो आपका वेरिएबल था UI। देन वापस प्रिंट कमांड, तो आपका ये जो एक्सप्लिक्ट सीरीज थी तो उसमें ये आपके वेरिएबल सॉरी इंडेक्स चेंज हो गए और वैल्यूज़ वही सेम रहेंगी। तो इस टाइप से आप एक्सप्लिक्ट इंडेक्स और इम्प्लिक्ट इंडेक्स का यूज़ करते हुए एक लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट में आपके और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी जो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, अब ये लिस्ट में जो मैंने वेरिएबल लिया है li, अगर ये वाली लिस्ट में यहाँ से उठाकर इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये जहाँ ये मैंने li वर्ड लिखा हुआ है, इस li वर्ड की जगह पे मैं ये लिस्ट एज इट इज़ रख देता हूँ, और जहाँ ये मैंने UI वाला जो इंडेक्स लिया था इस इंडेक्स को भी यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ इस जगह से इस जगह पर मैं इसको इंडेक्स को प्रिंट कर देता हूँ। और ये दोनों वेरिएबल जब आपके खाली हो गए तो इन दोनों वेरिएबल को मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो ये एक ही लाइन में वही सेम क्वेश्चन है, तो अगर इसका भी आंसर वही सेम ही आएगा जो अभी आपका ऊपर था, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये शो कराना चाहता था कि भाई अगर आप उसको एज ए वेरिएबल दे के लिस्ट अलग अलग बना के तब प्रिंट कराएं तब भी वही आंसर आएगा, या फिर आप एक साथ एक ही लाइन में ये दोनों चीज़ें दे दें तब भी आंसर वही आएगा। इसके बाद अब दूसरा ऑप्शन है आपका बाय यूजिंग डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी का यूज़ करते हुए अगर मैं बनाता हूँ तो फिर मैं इसको कैसे बनाता हूँ, तो डिक्शनरी से देख रहे हैं। तो देखिए डिक्शनरी से
ये वाली लाइन बस मुझे इरेज करनी है। तो यहाँ पे पहले मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ, डिक्शनरी में लेता हूँ आपका टी आई के नाम से, और डिक्शनरी जो होती है वो कर्ली ब्रैकेट में रहती है। इसमें वेरिएबल और आपका इंडेक्स और वैल्यू दोनों साथ में चलते हैं। तो जैसे मैंने ये इंडेक्स और ये वैल्यू ले लिए, उसके बाद दूसरा इंडेक्स और उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद तीसरा इंडेक्स और उसकी वैल्यू, देन फोर्थ इंडेक्स, देन उसकी वैल्यू, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जो मेरा है अभी y9, और इसके इक्वल में मैंने डाल दिया pd डॉट सीरीज, सीरीज में s बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद ti, ये वेरिएबल ले लिया। देन जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अगर नहीं तो फिर ये बार बार हर बार सेव करने के लिए बोलता है प्रोग्राम को। तो ये जो आपका आउटपुट है ये आ रहा है। तो इसमें आपके आउटपुट में ये जो चार करेक्टर थे वो आपके इंडेक्स बन गए हैं, और बाकी के चार नंबर थे वो आपके वैल्यूज़ बन गए हैं। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में आपको अलग से इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़र के द्वारा ही खुद इंडेक्स देनी पड़ती है। तो इसमें आपके अगर आप इंडेक्स नहीं देंगे तो ये अपने आप नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू साथ में चलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आपका वो देखते हैं, वो है आपका स्केलर वैल्यू। पहला हमने लिस्ट से बनाया था, दूसरा हमने डिक्शनरी से बनाया था, अभी अब तीसरा हम बना रहे हैं स्केलर वैल्यू से। तो स्केलर वैल्यू में कैसे करते हैं, स्केलर वैल्यू में सिंपल तरीका है कि अगर आपको यहाँ पे एक नंबर है उसको प्रिंट कराना है, और मुझे अगर इस नंबर को 4 बार या 10 बार जितनी बार प्रिंट कराना है तो मैं इंडेक्स में उतनी बार आपके नंबर को लिख दूंगा या जितने भी मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे 5, 6, 7, 8 ये चार चाहिए, तो इन चार में मुझे अगर प्रिंट कराना है तो देखिए किस टाइप से ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 चारों में आपका जो नंबर है वो 400 ही आएगा, सेम नंबर। ठीक है, अगर मैं 4 बार इंडेक्स दूंगा तो 4 बार, 10 बार दूंगा तो 10 बार, जितनी भी बार भी इंडेक्स दूंगा उतनी बार वो इंडेक्स वही सेम वैल्यू देगा। अगर मुझे यहाँ पे डिजिट नहीं देनी, डिजिट की जगह पे मैं यहाँ पे करेक्टर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। जैसे मुझे ABCD देनी, ज़रूरी नहीं मैं ABCD काउंटिंग से ही लूँ, मैं और भी कोई वेरिएबल भी ले सकता हूँ। तो मैंने ये चार वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, तो इनसे भी अगर मैं करूँगा या एक और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैंने 5 लिए हैं तो ये 5 बार प्रिंट करेगा, देखिए। ठीक है, तो ये आपके 5 मैंने वेरिएबल लिए थे, तो 5 आपके इंडेक्स के हिसाब से उसने 5 बार वही एक ही डिजिट को प्रिंट कर दिया है। अब इसमें एक फंक्शन आता है आपका रेंज का। अगर आप इसको रेंज के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं स्केलर वैल्यू को, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं अब इसको रेंज में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेंज, और रेंज में मैंने ब्रैकेट में दे दिया कि 5 टाइम ये आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहाँ रेंज दे रहा हूँ 5, तो ये आपका यूज़र जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होती है मेरी वो ले ली इसने, और बाई डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 4 तक इंडेक्स चली, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 बार मेरा वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि 400 ये 5 बार प्रिंट हुआ है। अब अगर मुझे रेंज में एक और वैल्यू बढ़ानी है कि मुझे 5 से स्टार्ट करना है और 50 तक जाना है, ठीक है, ये दूसरा आपका रेंज का फंक्शन है, देखिए इस टाइप से आपका चलता है। ये आपका स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है, और ये लास्ट जो आया है 49, क्योंकि इसमें जो लास्ट नंबर होता है उस लास्ट नंबर से एक नंबर कम ही लेता है वो हमेशा रेंज में। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा लंबी रेंज चाहिए, अगर आपको 50 नहीं 500 तक भी चाहिए,
तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इसमें डैश आ गया बीच में कि अगर आप लेंथ, उन्होंने बताया कि भाई 495 बार ये प्रिंट हुआ है, तो वो आपका जब ज़्यादा लेंथ हो जाती है तो इस टाइप से ही शो कराता है। स्टार्टिंग में उसने दिखा दिए 9 तक, उसके बाद फिर ये सीधे 499 तक। ठीक है, तो इस टाइप से आपके प्रिंट रहते हैं। अगर मैं एक और इसमें तीसरा ऑप्शन यूज़ करता हूँ, तो वो मेरा ऑप्शन होता है स्पेस के लिए, यानी कि मुझे बीच में गैपिंग देनी है, यानी 5 से स्टार्ट हो, 500 तक चले और 20-20 की गैपिंग के साथ हो। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। तो 5 से 25, 25 से 45, इस टाइप से लास्ट जो आ रहा है वो 485। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये रेंज फंक्शन काम करता है। अब इसके बाद जो इसमें चौथा फंक्शन है एरे का, वो बताता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। पहले ये तीन फंक्शन आप अच्छे से यूज़ कर लीजिए, और इसके लिए आप चाहें तो फ़ोन में आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है पायरोइड 3। ये आपका एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको एरे, इसका जो चौथा ऑप्शन है वो एरे बताएंगे।